उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अधेड़ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई। घटना से नाराज परिजनों ने तहसील कार्यालय के सामने शव रख कर चक्का जाम किया। कैसे क्या हुआ ये? पुलिस को सूचना दिया था? पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, रिपोर्ट निकाल, रिपोर्ट को देखता ही नहीं, रिपोर्ट कर रही है नहीं, नाम देखो ना, अब लेके ऐसा लगा कोई सुनवाई नहीं कर, पुलिस ने लेकिन दिया, लेकिन लगे ना, हाँ लेकिन तो लगा लेंगे, अरे मर कर बर्बाद ही तो चले, भाई भाई क्या कर रहे हैं? सिरोली गोसपुर निवासी पांचु निजी तौर पर सफाई कर्मी का काम करता था। पत्नी सुषमावती ने बताया कि गुरुवार शाम पांचु को गांव का रुपेश यादव तहसील जाने की बात कहकर साथ ले गया था। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिवारजनों ने रुपेश से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। शुक्रवार सुबह महम्मदपुर स्थित लोक निर्माण भवन के सीसी प्लांट पर पांचु का शव मिलने पर पहुंची पुलिस ने कुछ दूरी पर बाइक पड़ी होने पर हादसे में मौत का मामला मान लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने तहसील गेट पर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अखिलेश सिंह ने केस दर्ज कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।